कहने के लिए तो कुछ है नहीं, बिकॉज ये समय वैसा नहीं है एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अ सैड पार्ट. आई जस्ट वांट टू से कि आप सब ने उसको बहुत प्यार दिया है, बहुत पावर दी है. इस वक्त हम सबकी राखी की राखी को ज़रूरत है हम सबकी. सो बस हम थोड़ा उसके साथ रहेंगे, उसको अकेला फील ना हो इसलिए. और अब थोड़ा प्रोसेस में लेट हो रहा है कुपर में, सारा पेपर वर्क सरकारी काम है तो टाइम लग रहा है. उसके बाद फिर घर पर लेके जाएंगे, आखिरी दर्शन घर पे उनका वहाँ पे करवा के फिर यहाँ पर आएंगे. तो जितने भी गेस्ट हैं सबको मैं यहाँ पे थोड़ा सब टेक केयर कर लूँ ताकि वो अकेली ना रहे और वो अपना अंतिम जितना भी दर्शन हो, जितना भी अंतिम संस्कार के पहले का काम है, जितना टाइम वो अपने मॉम के साथ स्पेंड कर सकते हैं इस वक्त आखिरी बार वो करें. अच्छी फ्रेंड है हमारी राखी सावन, बहुत सारे शो हमने साथ किए, स्टेज शो करते हैं, टीवी पर काम किए, लेकिन उनकी जो मम्मी है बड़ी हिम्मत वाली, बिग बॉस में भी आके हिम्मत बढ़ाई उन्होंने और उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा राखी के साथ है. तो ऐसे समय पर हम दुआ करते हैं राखी और उसके सारे परिवार को मालिक दुख सहने की शक्ति दे और उनको चैन और सुकून दे और आत्मा जो है उनकी मम्मी को बहुत ऊंचा स्थान दे स्वर्ग में. बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ. तो ऑब्वियसली किसी की भी मम्मी की डेथ होती है तो माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में. आपकी किस तरीके की यादें रही हैं उनकी माँ के साथ में? अगर नहीं, मैं आंटी को बहुत कम ही मिली हूँ, बट राखी से हमेशा जब भी आंटी बीमार होती थी वी वुड टॉक एंड सो आई वुड से जस्ट गिव अ सम स्पेस एंड रिस्पेक्ट. आप किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगी? अगर क्या बोलूँ, आई होप राखी डज वेरी वेल, शी इज ऑलवेज मेड अ मदर प्राउड, आई होप शी कंटिन्यूज. फरा मैम, शिल्पा मैम, सबको, मम्मी का बहुत ख्याल रखा हूँ सबने. मेरे वो हालात नहीं थे कि मैं कैंसर के हर हॉस्पिटल में हर जगह जाऊँ, बहुत सपोर्ट किया. थैंक यू पास्टर समीर, सिस्टर माजू, शीला आंटी, सारे मेरे दोस्त, सारे फ्रेंड्स. शी वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग वुमन, से कैंसर से लड़ी के शिव के नाम से कैंसर निकल जाए इस देश से, सारे शरीर से, एंड तब चिल्लाती रही, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, किडनी में, बॉडी में, सर में. माँ, आई मिस यू माँ, अब मुझे कौन प्यार करेगा? ओके, राकेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे मम्मी के आखिरी कुछ? मेरा और आदिल का झगड़ा हुआ तो कौन सॉल्व करेगा? ओके सर, आप कुछ कौन सॉल्व करेगा? राखी और आदिल खुश रहे, मम्मी की इच्छा थी दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिताए, आगे बढ़े, राखी खूब मेहनत करे. राखी मम्मी तो रोते रोते की बात बोली कि मैं राखी को सलमान भाई के साथ देखना चाहती हूँ, इसके साथ मैं चाहती हूँ कि राखी एक बार काम करे. मम्मी की जो इच्छा थी वो पूरी होगी. सलमान भाई ने बहुत हेल्प की हमारी फैमिली को, इंडस्ट्री वाले ने सबका प्यार दिया, पूरी मीडिया ने प्यार दिया. बस यही कहना चाहती हूँ मैं और राखी मिलकर हम सबको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलते हैं. राखी मैम, अंबानी परिवार से भी आपको आया मदद मिली, क्या आप कहना चाहेंगे उनको? बॉलीवुड ने अंबानी परिवार
परिमल परिवार सबने मदद करी, सबका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू।